सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, वो काफ़ी डिफरेंट है। बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक बूमरैंग। तो बूमरैंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं यूज़ करने वाला हूँ वही हमारा स्टेरोफोम, जिसको ये हार्ड वाला फोम है। और जनरली आपको फ्रेंड्स ये अगर मार्केट से नहीं मिलता ना, तो आप कोई भी जो पैम्पलेट्स वगैरह लगी होती हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके पीछे ये होता है यार, जो ख़राब पड़े मिल जाते हैं नॉर्मली दीवारों पे, जो लोग हैं ऐसे दीवारों को गंदा करके चिपका जाते हैं, तो यार उनको उतारो और उनको यूज़ करो, ठीक है। तो मैंने ये बूमरैंग बनाने के लिए मैंने दो स्ट्रिप काट लिए हैं फ्रेंड्स। इनका पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये दोनों 12 इंचेस लॉन्ग हैं और 1.5 इंचेस की इसकी ब्रॉडनेस है। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, इनके सेंटर में मैंने दो मार्क लगाए हैं। ये मार्क जो मैंने लगाए हैं बिल्कुल इक्वल इनको कैलकुलेट करके लगाए हैं फ्रेंड्स। मैं इनको अब ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ने वाला हूँ। अब मैं इसका ये चारों तरफ से इसकी फोर विंग्स जो बराबर रहेंगी, उसके लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंचेस की, मैंने 12 इंचेस लेंथ में से घटा दिया है, तो बिल्कुल सेंटर में होगी। उसमें से जो बच गया, यानी कि 12 इंचेस में से अगर हमने 1.5 घटा दिया है, तो हमारे पास बचा 10.5 इंचेस को मैंने हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों साइड से, लेके एक मार्क लगा लिया। अब मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, फेविक्विक से यहाँ पे ऐसे बिल्कुल जोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा चिपक गया अच्छे से, आप देख सकते हैं। मैंने 90 डिग्री अपने स्क्वायर से लगा के देखिए, 90 डिग्री पे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ये चिपका है, चारों तरफ ये 90 डिग्री है। फ्रेंड्स मैंने एक मैरिज कार्ड का पीस ले लिया है। अब हम एक फर्मा बनाने वाले हैं, तो मैं एक स्ट्रिप निकाल लेता हूँ इसमें से। फ्रेंड्स मैंने एक पीस बना लिया है पेपर का मैरिज कार्ड में से काट के। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे एक निशान लगाऊंगा पेन से। अब फ्रेंड्स ये निशान आपको आई थिंक दिख रहे होंगे, मैंने ऐसे सेम निशान चारों तरफ लगा लिए हैं उसी की मदद लेते हुए, और ये एक ही इसी की हेल्प से लगाए हैं, तो एक ही डिज़ाइन के हैं सारे, आप सेंटर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक ये निशान आपको दिख रहा होगा, और ये वाला पार्ट में है, ये मैं घस के निकालने वाला हूँ। अभी मैं निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये मैं कटर की हेल्प से इसको धीरे धीरे आराम से छील लूँगा, देखिए इस तरह से। तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला काम है फ्रेंड्स, तो मैं इसको घिस के फ्रेंड्स ये मैंने कॉर्नर घस लिया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एकदम एरोप्लेन की शेप में मैंने बना दिया है, जो जो मैंने निशान लगाया था वो हमने इसको घिस दिया है, देखिए यहाँ तक। और ये मैंने चारों ब्लेड ऐसे घिस दिए हैं फ्रेंड्स, चारों ब्लेड्स मैंने ऐसे घिस दिए हैं। और इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी हम फ्रेंड्स रेगमाल की हेल्प से इसको घिस लेंगे। एक्चुअली इसमें कोई भी शार्प एजेस होने नहीं चाहिए, इसमें फ्रेंड्स एयर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे वाले एजेस हैं उनको मैंने थोड़ा घिस लिया है, फिर भी मैं रेगमाल की हेल्प से इनको और थोड़ा सा राउंड बना लूँगा। इसके साइड एजेस हैं उनको भी मैं राउंड बना लूँगा। फ्रेंड्स ये हमारा बूमरैंग रेडी हो गया है। पहले कहाँ बना था, तो बूमरैंग का जो सबसे पहले जो, तो ये 10,000 BC पहले ऑस्ट्रेलिया में मिला था। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको पाया गया है कि इसकी ओरिजिन कंट्री साउथ ऑस्ट्रेलिया ही मानी गई है। वैसे ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और इजिप्ट में भी पाया, यूज जो लोग वहाँ के लोग करते थे वो करते थे हंटिंग के लिए और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। और क्लासिक अगर मैं इसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करूँ तो फ्रेंड्स इट इज़ टू टाइप्स, यानी कि वन रिटर्नेबल और सेकेंड इज़ नॉन रिटर्नेबल। तो ये हमारा जो है ये रिटर्नेबल है। अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो होता था, ऑस्ट्रेलिया वाला वो जो बूमरैंग यूज़ करते थे, वन ब्लेड से सेकेंड ब्लेड का जो एंगल होता था वो 90 डिग्री रखते थे,
और जो मिस्र वाले जो यूज़ करते थे बूमरैंग फ्रेंड्स, उसका जो एंगल होता था वो रखते थे 70 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में, कोई भी एंगल वो अपने बूमरैंग में रखते थे। यूजुअली वो लकड़ी के बनाया करते थे, अब हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और जैसे अगर 170 डिग्री आपने देखा होगा ऐसे एल शेप में बूमरैंग होता है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में इवन आज भी कुछ एक ट्राइब्स यूज़ करती हैं, वो 90 डिग्री एंगल वाला बूमरैंग यूज़ करती हैं, लकड़ी का बना होता है एल शेप में। हमने जो बनाया है वो बेसिक बूमरैंग बनाया है और इसमें हमने फोर विंग्स बनाई हैं, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये, और अपने घर पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी शेप जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एरोडायनेमिक रखी है मैंने, और बैलेंस का गेम है पूरा। तो हम इसको ट्राई मारते हैं। जीनियस, ये जो बूमरैंग का हमने एक्सपेरिमेंट किया ये काफ़ी अच्छा था। मैं चला के बूमरैंग को रिटर्न कर नहीं सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। आई होप आपको पसंद आया होगा, चैनल पे पहली बार आया।